वो जब यहाँ पर तैनात है तो वो जब तैनात है तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से साइड जो है वो किया जा रहा है और समर्थक जो है वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। कहीं ना कहीं देखिए केंद्र सरकार की साजिश है और ये राज्य सरकार पूरी तरह गिराने का कोशिश किया गया है। आज आप देख रहे हैं कि आज विधायक को भी नहीं करवाने दिया जा रहा और सरकार बनने की कोशिश नहीं की जा रही है, तो ये केंद्र की साजिश है और साजिश के तहत हिमंत सोरेन को फंसाया गया है। तो आगे आपको क्या आप लोगों का क्या स्टैंड आगे में हम लोग जो केंद्र निर्देश होगा उस पर हम लोग निर्णय लेंगे। इतने समर्थक आप लोग यहाँ पहुंचे थे? समर्थक हैं हमारे समर्थक जितने लोग हैं सभी जो बिल्कुल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के जो समर्थक हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं और उन्होंने कहा कि किस तरीके से जब हेमंत सोरेन यहाँ ईडी के कोर्ट में उन्हें जब लाया गया है तो किस तरीके से वो बता रहे हैं कि उनका किस तरीके से समर्थन है और जिस तरीके से हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री तो है नहीं क्योंकि उन्होंने अपना त्याग पत्र दे दिया है, इस्तीफा दे दिया है। तो अब एक सीधे यूं कहें कि ईडी के जांच के दायरे में है, अब इस पर पेशी और पेशी के बाद क्या कुछ रिमांड की अवधि के तौर पर सामने आता है ये भी बहुत महत्वपूर्ण होगा। लेकिन दो तस्वीरें इस वक्त बहुत खास हो जाती हैं। पहली तस्वीर देख लीजिए जिसमें हेमंत सोरेन आगे बढ़ते हुए उस कोर्ट कमरे की तरफ देखिए और जैसे ही गाड़ी से उतरे हाथ हिलाकर सफेद रंग के शर्ट में इस वक्त हेमंत सोरेन आपको नजर आ रहे होंगे और वही मुस्कुराहट जो हर बार उनके चेहरे पर होती है। कैमरा जैसे उनकी तरफ टर्न होता है, जैसे उन्हें इस बात की जानकारी होती है कि कैमरे की निगाह में वो हैं, तो वो मुस्कुराते हैं, हाथ हिलाते हैं और वही तस्वीर एक बार आज भी नजर आई। हालांकि इस वक्त वो कोर्ट के कमरे के अंदर मौजूद हैं जहां पर उनसे पेशी के दौरान जब ईडी के अधिकारी जो हैं वो रिमांड की मांग करते हुए नजर आएंगे। वहीं दूसरी तस्वीर कोर्ट के बाहर की जहां पर अब सुरक्षा देखिए कर्मी जो हैं वो इस भीड़ को यहां से हटाने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल बिल्कुल, तो भीड़ भी पहुंच चुकी है जो खास करके जेएमएम के कार्यकर्ता हैं, जो उनके कैडर हैं, जो उनके समर्थक हैं, वो वहां पर पहुंचे और अपना आक्रोश जरूर जाहिर कर रहे हैं। लेकिन अब निगाह जो है वो ईडी के टीम पर है कि ईडी कितने दिनों के जो रिमांड है वो हेमंत सोरेन के लिए मांगती है और उस रिमांड की अवधि में और क्या कुछ जो कानूनी कार्रवाई है वो हेमंत सोरेन के ऊपर चलती है। सवाल ये भी है कि